Assalamualaikum, I hope you all are doing great. In this video we will see के हम Amazon के ऊपर प्रोडक्ट को हंट किस तरीके से कर सकते हैं. हम हीलियम 10 को यूज़ करते हुए हमारे कौन कौन से फ़िल्टर हमें लगाने चाहिए और मैनुअल हम किस तरीके से Amazon के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, हम स्क्रीन पे देखेंगे. आए देखते हैं. हीलियम 10 के ऊपर अपना हीलियम 10 लॉगिन कर लेना है, चाहे आपका शेयर है या आपने डायरेक्ट बाय किया हुआ है. हीलियम 10 पे आने के बाद आपने सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टूल्स के अंदर एक ऑप्शन आ जाता है ब्लैक बॉक्स का, जो इसका सब टूल है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए. इसे हमने ओपन कर लेना है. जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. यहाँ पर आपने एडवांस फ़िल्टर के ऊपर सबसे पहले क्लिक कर देना है. उसके बाद आपके पास इस तरह का फ़िल्टर आ जाएगा. जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आपने इसमें पुश कर देना. लेट से हम यहाँ पर कुछ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, होम एंड किचन कर लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कर लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर. हमने 4-5 कैटेगरियाँ सेलेक्ट कर ली. यहाँ पर हमारे पास कंपटीटर आ जाता है, नंबर ऑफ़ सेलर कितने होने चाहिए. यहाँ पर हमें एज एच की ज़रूरत नहीं है कंपटीटर्स को लगाने की. यहाँ पर हमारे पास प्राइस का फ़िल्टर आ जाता है और प्राइस आपकी मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपका क्राइटेरिया वो रख लें. लेट से हम यहाँ पर $19 मिनिमम हो, हमारी $40 मैक्सिमम हो. जो आपका क्राइटेरिया उस लिहाज से आपने यहाँ पर पुट कर दिया, जो क्लाइंट आपको क्राइटेरिया देता है उस लिहाज से आपने यहाँ पे पुट आउट कर देना है. रिव्यू काउंट आपके पास आ जाता है, रिव्यू काउंट मिनिमम मैक्सिमम कितने होने चाहिए. रिव्यूज़ जो के कहलाते हैं आपकी लिस्टिंग पर रिव्यूज़ जो होते हैं उसे ही रिव्यू काउंट कहा जा रहा होता है. आप जो है मैक्सिमम लेट से कह दें 300 से ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए. एग्जैक्ट आंसर ये सब छोड़ देना आपने, प्राइस चेंज ये भी रहने दें. रिव्यू रेटिंग यहाँ पर आ जाती है आपके पास, मिनिमम आप कहते हैं 3.9 हो, 4 हो, लेट से 4 की रेटिंग हो, मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो उतना बेहतर है. उसके बाद एग्जैक्ट सर्च सेलर सर्च आ जाता है, ये भी रहने. मंथली सर्च वॉल्यूम, जो जो इंपॉर्टेंट फ़िल्टर हैं वो आपने पुट आउट करने हैं इधर. मंथली सब रेवेन्यू, लेट से आप कहते हैं आपके केस में लेट से 15,000 मिनिमम होना चाहिए, तो आपने मिनिमम पे 15,000 लगा देना. BSR अगर आप प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंडिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो और यहाँ पर BSR को इतना मैटर करता नहीं है क्योंकि बाकी आप फ़िल्टर ऐड कर ही देते हैं. उसके बाद आपके पास ये सारे छोड़ देना आपके. अगर यूनिट आप सेल मंथली लिखना चाहते हैं, लेट से 500 यूनिट सोल्ड आउट होते हों कम से कम उस प्रोडक्ट के जो हम ढूंढने जा रहे हैं. उसके बाद आपके पास शिपिंग साइज़ आ जाता है. स्मॉल स्टैंडर्ड लार्ज स्टैंडर्ड प्रेफर किया जाता है, स्मॉल ओवर साइज़ भी किया जा सकता है. बट जितना छोटा आपका प्रोडक्ट होगा, जितने स्टैंडर्ड साइज का प्रोडक्ट होगा, उतनी शिपिंग और अमेजोन की FBA फीसेस आपको मिनिमम पड़ेंगी. ठीक है, उसके बाद आपने देख लेना है वेट. आपका वेट 4 LB से ज़्यादा ना हो ऑलमोस्ट. ठीक है, एंड उसके बाद ये सारे फ़िल्टर आप रहने दें. फुलफिलमेंट अगर आप लगाना चाहें अमेजोन FBA में, कोई ऐसा इसका ख़ास ऐसा कोई इशू नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं. नंबर ऑफ़ इमेजेस अगर आप लिखना लगाना चाहते हैं मिनिमम मैक्सिमम. अब वेरिएशन काउंट में अगर आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं चाहते तो आप इसको कह सकते हैं मैक्सिमम 2 वेरिएशन हो. कीवर्ड टाइटल, अगर आप कीवर्ड टाइटल देना चाहते हैं कि उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट निकलें. एक्सक्लूड को कीवर्ड टाइटल आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं कीवर्ड जो कि उस प्रोडक्ट में ना हो. लेट से उस तरह के प्रोडक्ट आपको अमेजोन ना शो करवाए जो आप यहाँ पे एक्सक्लूड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं. और कोई ऐसे प्रोडक्ट जो आप ढूंढना चाहते हैं उस तरह का कीवर्ड भी लिख सकते हैं, तो अमेजोन आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जिनके टाइटल में आपका दिया हुआ कीवर्ड मौजूद होगा. लिस्टिंग एज मंथ्स, कितनी पुरानी लिस्टिंग हो, हम कहते हैं मिनिमम 6 मंथ ओल्ड लिस्टिंग होनी चाहिए. उसके बाद आपने सिंपल आके सर्च पर क्लिक कर देना है. जैसे आप सर्च पर क्लिक कर देंगे ये आपको थोड़ा सा सर्च करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट शो आउट कर देगा. इसका वेट कर लेते हैं जब तक ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है निकाल कर. देखें, इसने यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दे दी. इसने हमें व्यूइंग 1
एक पेज के ऊपर 50 प्रोडक्ट्स दे दिए एंड द टोटल प्रोडक्ट्स 200। ठीक है, 200 प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए हैं। वन बाय वन आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी, प्राइस, मंथली सेल, मंथली रेवेन्यू, रिव्यूज़, ये सारे आपके पास आ रहे हैं। आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं जो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल हो। आपने यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर देना या अमेजोन पर आपको ले जाएगा। किसी एक प्रोडक्ट को हम खोल लेते हैं और देखते हैं उसको। जो इधर से आपने देख लें, जो प्रोडक्ट आपको ठीक लग रही है, ऐसे प्रोडक्ट ना हो, ब्रेकेबल ना हो, हैजमेंट ना हो, बैटरी वाले प्रोडक्ट्स ना हो, इन सब से आपने इन सब प्रोडक्ट्स को आपने नहीं ढूंढना है, नहीं अर्न करना है। लेट्स से हमने ये एक कॉफ़ी बार, ये कॉफ़ी स्टेशन ऑर्गेनाइज़र है, तो ये हमने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की है। ठीक है, ये होम एंड किचन की कैटेगरी में, इसका रेवेन्यू भी देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू 20,000 रेवेन्यू है, 212 इसके रिव्यूज़ हैं, 4.6 की रेटिंग है, $25 की सेल आउट हो रही है। बाकी आप इसके सेट देख लेंगे, ग्राफ वगैरह देख लेंगे, 2 वेरिएशन है ब्लैक वाइट की, ग्राफ वगैरह देख लेंगे आप, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इस तरह से अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट को हंट किया जाता है हीलियम 10 के थ्रू। और हमारे पास मैनुअल भी कुछ वेज होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मैनुअल फाइंड आउट करें तो सिंपल आपने अमेज़ॉन लिखना है, अमेज़ॉन पे आ जाना है, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आ जाएंगे आप। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं, आप बेस्ट सेलर्स में देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सेलर्स पे ऊपर क्लिक कर देना है आपने। बेस्ट सेलर में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारी बेस्ट सेलर जिनका BSR कम होगा, 1-2 लेट्स से इस कैटेगरी में इसका BSR 1 है, सबसे अच्छी प्रोडक्ट यही सोल्ड हो रही है। यहाँ से आप अपने डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में देखना चाहते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे आप। ऑफिस प्रोडक्ट के अंदर फिर उनकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। ऑफिस सप्लाईज के अंदर देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। इट्स अप टू यू कि आप किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं और आपकी क्या प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप देख लेंगे, आपको सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर सर्च आउट करके बाकी सारे फ़िल्टर्स को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है न्यू रिलीजेस का। न्यू रिलीजेस वाले टैब में आपको वो प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं जो नई रिलीज़ हुई हैं और वो उन्होंने एक अच्छा BSR उनको मिला है और वो अच्छा सेल आउट हो रही हैं अभी न्यू लॉन्च होने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे नए उनके रिव्यूज़ हैं, 17 रिव्यूज़ हैं। किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को 2 BSR मिला हुआ है, इसका मतलब यह है अभी नई रिलीज़ हुई है और इतना अच्छा इसका BSR है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी सेल आउट हो रही है। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं और अमेज़ॉन पर सर्च आउट करके बाकी सारे टॉप 10 टॉप 20 के एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से ये तरीके मैनुअल हंटिंग करने के। उसके बाद आप अमेज़ॉन के सर्च बार में आ जाते हैं। सर्च बार में आके कोई भी आप कीवर्ड अपना अल्फ़ाबेट टाइप करते हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेट्स से मैंने ए लिखा तो आईफोन चार्जर, USB और इस तरह की अल्कोहल वाइप्स, एंकर, ये सारी चीज़ें आपको कीवर्ड नज़र आ रहे हैं। आप इसके आगे और भी कीवर्ड लिख के देख सकते हैं, AB रोलर व्हील, आप चेंज भी करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से भी आपको प्रोडक्ट्स के आइडियाज़। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया होना बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनुअल के अंदर। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट का आइडिया होगा देन आप आके सर्च करेंगे, देन आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने आगे क्राइटेरिया के ऊपर। और जब टूल्स में नंबर्स देते हैं कि इस नंबर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही हैं, जिनके रिव्यू इतने हैं, रेवेन्यू इतना है, हमें वो प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ और वो प्रोडक्ट्स निकाल के दें। जो टूल्स और मैनुअल में ये डिफरेंस है, लेकिन मैनुअल हमेशा आपको आसानी से मिल जाएगा क्योंकि टूल्स ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट सबके पास सेम ही आ रहे होते हैं। ये आज के लिए ये मेथड से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का हीलियम 10 के थ्रू और मैनुअली। आई होप कि आपको इससे हेल्प हुई होगी
अगर आपने इससे जबरा भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट जो जो वीडियोस ई कॉमर्स से रिलेटेड आती रहें वो आप उन्हें से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।